सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूँ आपके लिए फिर से नई वैकेंसीज लेकर के। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप सबको कुछ ना कुछ नया मैं अपडेट करता रहता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है, जहां तक हो सके मैं आपको गाइड करता रहता हूँ कि जॉब्स के लिए आपने कभी भी परेशान नहीं होना है। जितनी जॉब्स आ सकती हैं उतनी आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि मेरे देश में, इस देश में कोई मेरा भाई बहन दोस्त कोई बेरोजगार ना रहे। अगर कहीं ना कहीं किसी को नौकरी चाहिए, मैं अपना थोड़ा सा ही सही एक अहम रोल अदा कर पाऊं, ताकि आप सबको रोजगार मिल जाए, क्योंकि रोजगार की बड़ी ज्यादा जरूरत है इस टाइम मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे दोस्तों को। और सबसे बड़ी बात यहां पर आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त अपना बहुत सारा पैसा खराब कर लेते हैं। मार्केट में कंसल्टेंट्स के पास जाके 20 20 25 25 5 5 10 10 हजार रुपए एडवांस में दे करके आ जाते हो, उसके बावजूद नौकरी नहीं लगती। और अगर लगती भी है तो ऐसी जो आप करना नहीं चाहते। इसीलिए नौकरी लगे तो पैसे दो, नौकरी ना लगे तो काय के पैसे नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं देने। समझ रहे हो मेरी बात को? काम होने के बाद पैसे देने हैं, एडवांस में कोई पैसे नहीं देने। कुछ लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं, कंसल्टेंट्स, धमकियां भी दे देते हैं, भाई तो क्यों वीडियो बनाता है। मैं तो बनाऊंगा बनाऊंगा, कर लो जो करना है, पर सबको सलाह जरूर दूंगा, बच के चलो, घबराना नहीं, डरना नहीं। नौकरी लग जाए तो जरूर दो, एडवांस में कोई पैसे नहीं देने। एडवांस में देके पता क्या होता है, फंस जाते हो। बनना इंजीनियर चाहते थे, अब इंजीनियर की वैकेंसी तो आई नहीं उनके पास, उठा के आपको रिसेप्शनिस्ट बना देते हैं जी। काय को नहीं बनना, जो करना चाहते हो वही करना है, जो दुनिया आपसे कराना चाहती है वो नहीं करना, समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसीज। और इवन दैट मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि जो भी वैकेंसीज मैं बताता हूं इसमें मैं कंपनीज के फोन नंबर नहीं बता पाता हूं, क्योंकि सभी बेमतलब में कॉल करना शुरू कर देते हैं, रेलेवेंसी भी नहीं देखते। कंपनी ने मेरे से इंजीनियर मांगा, उठा के अकाउंटेंट्स भी फोन करना शुरू कर देंगे कि आपके पास अकाउंटेंट की वैकेंसी है, तो कंपनी वाले ना थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूं, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, मेरा लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे जाके जब आप उस लिंक पे ज्वाइन करेंगे, उनको वैकेंसीज को रोज पढ़ते रहिए, शेयरिंग भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए। क्या पता कौन सी वैकेंसी कब आपको बुला ले जी। आज ही अपना अच्छा सा रिज्यूम, बड़ा शानदार सा रिज्यूम किसी प्रोफेशनल से बनवा लो, अच्छा सा कवर लेटर किसी प्रोफेशनल से बना लो, इतना सीख लो कि कैसे अपना रिज्यूम कवर लेटर उस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। कभी तो कंपनी को लगेगा कि बढ़िया सा रिज्यूम आ रखा था, बुला लेंगे आपको, आज नहीं कल नहीं 6 महीने साल बाद कभी तो आपको अच्छे अच्छे कॉल्स आएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार रखा करो, पेशेंस रखा करो, ये नहीं है कि बस आज रिज्यूम भेजा और आज ही आपकी जॉब लग जाए, थोड़ा सा इंतजार पेशेंस भी रखा करो, समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, आज की वैकेंसीज ये रही। तो आज की वैकेंसीज रहेंगे अडानी की, आंध्र प्रदेश की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त अडानी में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, उन सब के लिए आज की वैकेंसीज रहेंगी। हमें एक स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर चाहिए। आपने एमएससी इन मैथमेटिक्स कर रखी हो, सीबीएसई बोर्ड का ये स्कूल रहने वाला है। टाइमिंग्स वही स्कूल की रहेंगी, सैलरी जो है वो आपके साथ मौके पर ही उसी टाइम डिस्कस की जाएगी। इसी तरह से एक फैक्ट्री में ये प्लास्टिक्स बनाते हैं, इस फैक्ट्री में हमें एक अकाउंटेंट चाहिए और एक यहाँ पर फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। अकाउंटेंट ने कम से कम बीकॉम कर रखी हो, टैली अच्छे से आती होनी चाहिए आपको। अगर मैं अब बात करूँ आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो आपको एमएस वर्ड और एक्सेल बहुत अच्छे आता होना चाहिए। टाइमिंग्स 9 to 6 की रहेंगी, सैलरी मौके पर ही आपके साथ डिस्कस की जाएगी। इसी तरह से एक फॉर्म में हमें दो कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। चाहे आपने प्लस टू कर रखी हो कोई मायने नहीं रखता, पर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 to 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। टाइमिंग्स 9 to 6 की रहेंगी, सैलरी आपको 10 से 12 हजार पर मंथ मिल जाएगी। इसी तरह से एक ऑफिस में हमें एक कलेक्शन एग्जीक्यूटिव चाहिए।
एज अ कलेक्शन एग्जीक्यूटिव आपने कहीं ना कहीं 6-7 महीने काम कर रखा हो, ग्रेजुएशन आपने जरूर कर रखी हो, टाइमिंग सैलरी दोनों आपके साथ मौके पर ही उसी टाइम डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह से एक ऑफिस में हमें दो जिम ट्रेनर्स चाहिए, फीमेल जिम ट्रेनर्स चाहिए, इनका टाइमिंग मॉर्निंग और इवनिंग का रहने वाला है, सैलरी जो है वो आपको मिल जाएगी 15,000 से 20,000 पर मंथ। इसी तरह से एक कंपनी में हमें 6 सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, 6 सेल्स एग्जीक्यूटिव, टाइमिंग्स मौके पर बताई जाएंगी और एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी तो आपको पता ही है क्या होती है, टाइमिंग्स यही है और सैलरी जो है सैलरी आपको मिल जाएगी 20,000 से 25,000 के आसपास पर मंथ। तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज। अगर आपको लगता है आपके मतलब की कुछ वैकेंसीज हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। आपके शेयर से किसी की जिंदगी बन सकती है, किसी को रोजगार मिल सकता है। थैंक यू सो मच।